साल का आखिरी दिन एक अपराधी और भरे हुए बैंक कर्मचारियों से कस्टमर से एक अपराधी अंदर आता है, हथियार के बल पर 9 लाख के लगभग की लूट कर लेता है। यही वो कैश काउंटर है जहां अपराधी इस गेट से दाखिल हुए, कैश काउंटर पर पहुंचे, हथियार दिखाया और कैश समेटे निकल गए। साल के आखिरी दिन में अपराधी इस लूट की घटना को अंजाम देकर पटना पुलिस को काफी बड़ी चुनौती दे गया। फिलहाल अपराधी यहां से रघु चक्कर हो चुका है, कैश लेकर अकेला आया था, सारा कैश समेट कर चला गया। साल का आखिरी दिन में उस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया, सारे कर्मचारी और कस्टमर से बने रह गए। कैसे कैसे उसने सबको बंधक बनाकर कैश लेकर चला गया? कितना टाइम लिया होगा वो ये सब? लगभग कितना कैश ले गया होगा? 9 लाख बता रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये बैंक कर्मचारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि वो आया, जल्दी में सारा काम किया, लगभग 2 से 3 मिनट का समय उसने लिया होगा और सारा कुछ जो भी कैश उसके हाथ लगा लगभग 9 लाख के आसपास। इसकी पुष्टि एसएसपी गरिमा मलिक ने अभी की है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है, एक अपराध कर्मी बिना किसी हथियार के बैंक के अंदर घुसा है, कोई गार्ड बैंक में नहीं है, कोई लूटलूट नहीं है, कैशियर का कैश टेबल पे जो पैसा पड़ा हुआ था उसको भ्रम में डालते हुए भय दिखा करके बिना किसी हथियार के उसमें से कुछ पैसा जो है कैशियर की टेबल पे ही बचा है, कुछ बाहर जो पैसा पड़ा था वो निकाल करके डाल करके एक पॉलिथीन में भाग के ले लगभग जो है अभी तक जो बैंक के द्वारा बताया गया जा रहा है लगभग 9 लाख रुपए की राशि। एक अपराधी था जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 3 बजे के आसपास की घटना है। देखना ये होगा कि कब तक अपराधी पकड़ में आते हैं। हालांकि डॉग स्क्वाड को भी लाया गया था, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। हम आपको इससे जुड़े सारे अपडेट्स देखते रहेंगे। देखते रहिए रिपब्लिकन न्यूज़। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।